मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट, मोबाइल रेडियो मतलब मोबाइल जो सिग्नल्स हैं हमारे, उसका एनवायरनमेंट में किस किस तरह के उसके असर होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट, रेडियो एनवायरनमेंट। यूनिकनेस ऑफ मोबाइल रेडियो एनवायरनमेंट। ठीक है, पहली चीज रहती है अपनी ट्रांसमिशन मीडियम, पहली चीज रहती है ट्रांसमिशन मीडियम, जिस मीडियम में अपना सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इधर एयर में या तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में होगा तो एयर का मीडियम क्या रहेगा, गिलास रहेगा, और एयर में रहेगा तो फिर एयर तो मीडियम रहेगी। ट्रांसमिशन मीडियम इस पे डिपेंड करेगा अपना सिग्नल का, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा इसमें, या तो एयर या ऑप्टिकल फाइबर ग्लास। दूसरा तुम्हारा है जो मॉडल, देखो क्या जो मॉडल बनाया जाएगा, हर जगह का एक अलग मॉडल होता है। जो कम्युनिकेशन इंजीनियर तुम्हारे क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोई हिली एरिया होता है, कोई ग्राउंड वाला एरिया होता है, कहीं पर पेड़ ज्यादा होते हैं, तो अलग अलग तरह के मॉडल बनते हैं तुम्हारे किसके लिए, तुम्हारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके लिए। ठीक है ना, तो हर सिटी के वाइज, सिटी में बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, कई छोटी सिटीज है तो उनमें इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, तो हर जगह का मॉडल क्या है, अपने आप में एक यूनिक होता है। जैसे भोपाल का मॉडल कुछ अलग है, और जो ज्यादा हिली एरिया है उनका मॉडल अलग है, कुछ जैसे रेगिस्तानी एरिया तो उनका मॉडल अलग है, तो हर जगह का मॉडल क्या है अलग बनता है उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज है फेडिंग। अब फेडिंग में आपको आगे बताऊंगा कि फेडिंग क्या होती है। फेडिंग मतलब सिग्नल का फेड कर जाना, फेड का मतलब समझते हो आप, कपड़ों का कलर फेड हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाना, क्या हो जाना, फेड हो जाना, सिग्नल का फेड हो जाना, ये क्या कहलाता है तुम्हारा, फेडिंग, फेडिंग कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ है अपना पाथ है, पाथ ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में पाथ किस तरह का है, ये तुम्हारे क्या है पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर, जो मोबाइल में तुम्हारे ट्रांसमीटर है और जो तुम्हारा रिसीवर है उसके बीच में पाथ किस तरह का है। ट्रांसमीटर है रिसीवर, रिसीवर, रिसीवर। ठीक है, फिर जो तुम्हारे कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, नॉइस आती है किसमें, तुम्हारे कम्युनिकेशन जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अलग अलग तरह के एम्पलीफायर और अलग अलग तरह के जो भी ट्रांसिस्टर हैं, उनकी वजह से जो नॉइस आती है तुम्हारे सर्किट में, तुम्हारे सर्किट की वजह से नॉइस आती है जिसमें तुम्हारे मोबाइल हमारे सेलुलर फ्रिक्वेंसी में जो नॉइज आता है। तो ये अलग अलग तरह के तुम्हारे क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है जो तुम्हारे किस पे होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन पर होते हैं। अब तुम्हारा पहले प्रोपोगेशन एटोनेशन हमारा टॉपिक है, पहले इसमें तो तुम्हारे क्या है, इसके टॉपिक हमें पढ़ना है। पहले तुम्हारा प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन एटेनुएशन, एटेनुएट मतलब तुम्हारे सिग्नल का मतलब डाइवर्ट हो जाना सीधे सीधे,
एक चीज है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब खत्म हो जाना पूरी तरह से, एटीनेट मतलब पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जो भेजा गया है ट्रांसमीटर से वो क्या है तुम्हारे रिसीवर पे नहीं पहुंचा। डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, करप्ट हो जाना, एटीनेशन मतलब पूरी तरह से करप्ट हो जाना नहीं है। ठीक है, तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वजह से तुम्हारी क्या है डिग्रेड होती है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा तो टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट जो होता है वो क्या कर रहा होता है, लाइन ऑफ साइट तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। इस तरह का कम्युनिकेशन है जहां पर क्या हो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, तो वहां पर क्या लॉसेस तुम्हारे लगभग नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर डायरेक्ट एक ही लाइन में होंगे, ये ट्रांसमीटर होगा ये रिसीवर होगा, तो कोई लॉस नहीं होंगे तुम्हारे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये लोग की कह रहे थे लाइन ऑफ साइट, जबकि क्या मोबाइल, जबकि अपने आइडियल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे क्या है तुम्हारे चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा दो टावरों के बीच में, दो मोबाइलों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वो क्या एक ही लाइन में, ऐसा नहीं होता, आमतौर पे ही ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, ट्रीज हैं, 50 तरह की चीजें तुम्हारे बीच में होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना तुम्हारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है उतना ही तुम्हारी क्या होती है पावर जो होती है कैरियर पावर क्या होती जाती है तुम्हारी कम होती जाती है। ठीक है ना, तो मोस्ट आइडियल कंडीशन क्या है कम्युनिकेशन की, जहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या हो लाइन ऑफ साइट पे हो, मतलब क्या हो उनके बीच में कोई भी तुम्हारी ऑब्स्टिकल नहीं हो, कोई भी रुकावट नहीं हो, और तुम्हारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक ही लाइन में, जैसे अपने टीवी के रिमोट और टीवी के बीच में होता है, सेट टॉप बॉक्स के किसी बीच में भी, कि क्या हो कोई ऑब्स्टिकल बीच में ना हो, ये उतना क्या है मोस्ट डिजायरेबल केस, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो रेडियो वेव है वो अपने ट्रांसमीटर से रिसीवर जाते टाइम क्या होता है उसमें बहुत सारे तरह के तुम्हारे इफेक्ट्स होते हैं। वो इफेक्ट कैसे होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है उसमें, जैसे कोई बीच में कांच वांच है तो उससे क्या रिफ्लेक्शन होगा, कोई कोई दीवार है तो उससे क्या हो जाएगा, कांच की वजह से तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा, दीवार की वजह से क्या होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन, कांच है या इस तरह का ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से क्या होगा डाइवर्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, स्क्रेटिंग होगी अलग अलग सरफेस की वजह से, तो कोई दीवार है, कोई रूफ है, कोई छत है, डोर्स हैं, या बहुत सारी चीजें, डिफ्रेक्शन होगा, तो अलग अलग तरह के इफेक्ट तुम्हारे क्या होते हैं तुम्हारे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल जाते टाइम इफेक्ट होते हैं किसके, तुम्हारे सिग्नल्स पर। समझते हो तुम इस बात को कि ऐसा होता है कि सिग्नल्स क्या है, सिग्नल हमारे चारों तरफ, कुछ सिग्नल क्या है रूफ से टकरा रहा है, कुछ क्या है फैन से टकरा रहा है, कुछ क्या है सोफे से टकरा रहा है, अलग अलग जगह पर सिग्नल क्या है लैंड कर रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, तो पाथ लॉस जो होता है बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में पाथ लॉस क्या है उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिसीव कैरियर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, R^2 पावर -4। ठीक है, मीन्स ये है कि कैरियर पावर, देखो मैं कैरियर अपन ने पढ़ा था इसके पहले भी कि अपने सिग्नल में क्या होता है कैरियर इन्वॉल्व होता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करवाने के लिए, तो वही कैरियर है। जैसे जैसे तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कैरियर पावर कम होगी, और जैसे जैसे कैरियर पावर, तो क्या है दोनों दोनों के बीच में क्या है इनवर्सली रिलेशन, C^R^2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R^2 पावर -4। जब हम ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, यहाँ क्या आ जाएगा C, यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा, R^2 पावर -4। ठीक है, सी क्या है तुम्हारे रिसीव कैरियर पावर है, आर क्या है तुम्हारा डिस्टेंस से ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में,
और सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या है, जरूरी नहीं है कि फोर यू पावर, पावर तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। हम इसे मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू आर टू द पावर माइनस गामा मान लेते हैं। ठीक, ये तुम्हारा एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप में है। अब इसके बाद है तुम्हारा फेडिंग। फेडिंग क्या होती है, फेडिंग क्या होती है, फेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आते ही आता है तुम्हारा। फेडिंग देखो, एक मोबाइल एनवायरनमेंट में तुम्हारे मोबाइल के पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं टावर से, जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है मोबाइल के पास, वो तो टावर तो अपना इमिट कर रहा है सिग्नल कहीं भी। तुम्हारे तुम रूम में हो तो रूम में कोई दीवार होगी, कोई टेबल होगी, कोई कुछ भी होगा, कोई चेयर होगी, कुछ भी हो, फैन होगा, इनसे टकरा कर क्या है सिग्नल आते हैं किसके पास, मोबाइल के पास, बहुत सारी चीजों के पास। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर, अब जरूरी नहीं है कि इनके बीच में डिस्टेंस एक हो, ये अलग अलग चीजों से सिग्नल टकराएगा तो उसका अलग अलग रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है ना, कोई सिग्नल कभी पहुंचेगा रिसीवर के पास, कोई उसके थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, कोई उससे पहले पहुंच जाएगा, कोई और देर बाद पहुंचेगा। तो ये सारे सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचेंगे एक टाइम में नहीं पहुंचेंगे, सब क्या है अलग अलग टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो सिग्नल जो ओरिजिनल भेजा गया है और जो सिग्नल रिसीव हुआ है रिसीवर को, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब सिग्नल ओरिजिनल जो होगा उसकी जो पावर होगी, जो रिसीव पावर होगी वो कम होगी, ये कहलाता है तुम्हारा फेडिंग। फेडिंग मतलब क्या होता है, सिग्नल का धुंधला पड़ जाना, सिग्नल क्या हो जाए तुम्हारा फेड कर जाए, तब कपड़ों को कलर देते हैं ना फेड हो गया, ऐसे ही तुम्हारा क्या सिग्नल जब तुम्हारा फेड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा फेडिंग। क्यों होता है फेडिंग, ड्यू टू डेरिएशन ऑफ पाथ लॉस, पाथ की वजह से, प्रोपगेशन टाइम की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम तो क्या होगा, उसकी वजह से भी फेडिंग होता है। ठीक, अब तुम्हारा है टाइप्स ऑफ फेडिंग। फेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फेडिंग क्या होता है कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब है तुम्हारा टाइप्स ऑफ फेडिंग। टाइप्स ऑफ फेडिंग याद रखना, जब टाइप ऑफ फेडिंग, ये अपना टॉपिक, एक होता है लार्ज स्केल फेडिंग, लार्ज स्केल फेडिंग। इसी कहते हैं लॉन्ग टर्म फेडिंग, लॉन्ग टर्म फेडिंग। इसी कहते हैं स्लो फेडिंग, स्लो फेडिंग। दूसरी है स्मॉल स्केल फेडिंग, छोटे टाइम के लिए जो फेडिंग होती है, स्मॉल स्केल फेडिंग। इसी को कहा जाता है शॉर्ट टर्म फेडिंग, शॉर्ट टर्म फेडिंग। इसी को कहा जाता है फास्ट फेडिंग, फास्ट फेडिंग, फेडिंग। अब इनको देखो नाम में इतना डिफरेंस क्यों है, ये आपको समझना है बात। लार्ज स्केल है वही लॉन्ग टर्म है और वो स्लो है, स्मॉल स्केल है शॉर्ट टर्म है और वो क्या है फास्ट है, ऐसा क्यों है। देखो
फेडिंग आप जिस भी इन्वायरमेंट पे, मान के चलो आप किसी क्लास में बैठे हो तो वहाँ फेडिंग का इफेक्ट अलग है। वहाँ पर टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, वॉल्स है, छत है, विंडोज है, उन सब की वजह से फेडिंग हो रही है। मतलब सिग्नल क्या है जो आ रहा है आपके मोबाइल के पास, वो इन सारी चीजों से टकरा कर आ रहा है, या तो विंडो से टकरा कर आ रहा है, डोर से टकरा के आ रहा है, छत से टकरा के आ रहा है, बोर्ड से टकरा के आ रहा है। लेकिन ये सब क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो ये फीडिंग क्या है तुम्हारी, लॉन्ग टर्म फीडिंग, लॉन्ग टर्म फीडिंग, लॉन्ग टर्म फीडिंग। क्यों? क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब चेंज तो नहीं हो रहा, सबका सब वही रुका हुआ है। तो इसलिए क्या ये स्लो फेडिंग है। स्लो वाला फेडिंग स्लो है, चेंज नहीं हो रहा एनवायरमेंट, तो क्या फेडिंग तुम्हारी स्लो फेडिंग, सिग्नल तुम्हारा धुंधला हो रहा है। वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी है तुम्हारी स्मॉल स्केल फेड। अब क्या है, तुम मूव कर रहे हो, अब तुम मूव कर रहे हो, मान के चलो किसी गाड़ी में हो या पैदल ही मूव कर रहे हो, तो क्या हो, जब आगे मूव कर रहे हो तो बीच में चीजें चेंज हो रही है। कहीं पर तुम्हारी वॉल आ रही है, देन कोई डोर आ रहा है, कोई उसके बाद ट्री आ जाता है, कोई तुम्हारा पेड़ आ जाता है, कोई तुम्हारी बाइक आ जाती है खड़ी हुई, या कार आ जाती है। इन सब की वजह से क्या है, तुम्हारी फेडिंग चेंज हो रही है। तो तुम मूव करते तो क्या होता है, फेडिंग की जो ऑब्जेक्ट ऑप्शिकल आ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे तुम मूव कर रहे हो। मान लीजिए तुम किसी कार में मूव कर रहे हो, तो बीच में कहीं पर ये पहाड़ आ जाएगा, चट्टाने आ जाएंगी, रॉक आ जाएंगी, रॉक्स आ जाएंगी, कहीं पर जंगल आ जाएगा तो ट्रीज आ जाएंगे, कहीं पर और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्या है कि जैसे जैसे कहीं पर बिल्डिंग्स आ जाएंगी बड़ी बड़ी, तो फेडिंग का नेचर क्या है, चेंज हो रहा है फास्ट, है ना। और फेडिंग का टाइम क्या है, ड्यूरेशन, जब आप मूव कर रहे होते हैं क्या होता है, स्मॉल ड्यूरेशन में क्या होता है, फेडिंग चेंज होती रहती है, स्मॉल ड्यूरेशन में चेंज हो रही है फेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप मूव करते हो तो क्या होता है, नेचर जो सराउंडिंग का है, आपके आसपास की जो चीजें हैं वो क्या है, तेजी से चेंज हो रही होती है, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। और जो फेडिंग रहती है वो फास्ट चेंज हो रही होती है, और तेजी में चेंज हो रहा होता है तुम्हारी फेडिंग। फेडिंग का जो तुम्हारा मॉडल है वो क्या है, तुम्हारा तेजी के साथ चेंज हो रहा होता है, फास्ट फेडिंग होती है। तो तुम्हारी सराउंडिंग तेजी से चेंज होती है, तो फेडिंग कैसी होती है, फास्ट फेडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि तो फेडिंग अब होगी ट्रीज की वजह से, रॉक्स की वजह से, जो भी ऑब्स्टिकल बिल्डिंग की वजह से, अलग अलग तरह की। तो ये तुम्हारी फेडिंग कहलाती है, स्मॉल स्केल फेडिंग, शॉर्ट टर्म फेडिंग, या तुम्हारी फास्ट फेडिंग। ठीक है, तो दो तरह की फेडिंग है। पहली क्या है तुम्हारी, लॉन्ग टर्म फेडिंग है, जो किसकी वजह से हो रही है, जब तुम स्टेशनरी हो, मोबाइल नहीं हो, मतलब बैठे हुए हो कहीं पर, घर में बैठे हो या किसी ऑफिस में बैठे हो, तो क्या है तुम्हारी वो लॉन्ग टर्म फेडिंग होगी, क्योंकि वो तुम्हारी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है। दूसरी फास्ट फेडिंग या शॉर्ट टर्म फेडिंग है, वो क्यों हो रही है, जब तुम मूव कर रहे हो किसी कार में, किसी बाइक पे, तो तुम्हारे मोबाइल के पास जो सिग्नल आ रहा है फेड कर रहा है। इसलिए क्या होता है, जब हम कहीं ऐसी जगह पर होते हैं, तो ओपन स्पेस में होते हैं कहीं, तो हमारे पास क्या सिग्नल अच्छे आते हैं, तुमने देखा होगा ओपन स्पेस में होते हैं सिग्नल अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि फेडिंग की वजह से। हम अंदर कहीं होते हैं रूम में, तो क्या होता है, सिग्नल बहुत सारी चीजों से टकरा कर आ रहे होते हैं हमारे मोबाइल के पास, तो फेडिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो जब हम ओपन स्पेस पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, फेडिंग कम हो जाती है। इसी जब हम रुके हुए होते हैं तो हमारे पास क्या है, सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी आती है। जब हम किसी कार में या बाइक पे मूव कर रहे होते हैं, क्या होते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है, क्योंकि फेडिंग का नेचर चेंज हो रहा होता है सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की फेडिंग है। ठीक, ये अपनी थी फेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडिंग का। ठीक है, तो
अब इसके बाद है तुम्हारी मल्टीपाथ थ्रेडिंग। मल्टीपाथ थ्रेडिंग मैंने अभी बताया ही कि क्या होता है, थ्रेडिंग की मल्टीपाथ मल्टीपाथ थ्रेडिंग थ्रेडिंग की वजह ही क्या होती है एक्चुअली, मल्टीपाथ थ्रेडिंग होती क्यों, क्योंकि सिग्नल तुम्हारा क्या है बहुत सारे जगहों से टकराकर मोबाइल के पास आ रहा होता है। तो हर जगह से मान लो सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर कोई बोर्ड है पहले इससे टकराया, फिर मोबाइल के पास पहुंचा, यहाँ पर वॉल है वॉल से टकराया फिर मोबाइल के पास पहुंचा, कोई विंडो है विंडो से टकराया, तो हर जगह से क्या पाथ अलग अलग हो जाएगा, तो कितने बहुत सारे पाथ बन जाएंगे। डायरेक्ट तुम्हारा मोबाइल डायरेक्ट तो टावर के कनेक्ट में रहता नहीं है, बीच में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्या होता है सिग्नल तुम्हारे मोबाइल के पास पहुंच रहा होता है वो किस वजह से पहुंच रहा होता है, ड्यू टू मल्टीपाथ की वजह से। ठीक है, तो तुम्हारा सिग्नल क्या होता है मल्टीपाथ की वजह से तुम्हारे मोबाइल के पास पहुंचता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की नॉइस है जो तुम्हारे सिग्नल में आती है। पहली इसमें है AWGN नॉइस, ये तुम्हारी में भी है डिजिटल कम्युनिकेशन में, AWGN एडिटिव वाइड गॉशियन नॉइस, ये कहलाती है एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज। गॉशियन नॉइज देखो तुम्हारे मोबाइल जो तुम्हारा सर्किट है तुम्हारे ट्रांसमीटर है रिसीवर में, उसमें क्या है कुछ थर्मल, जाहिर सी बात है करंट फ्लो होता है तो थर्मल भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से कुछ हीट जनरेट होती है। ठीक है ना, तो जो रिसीवर या ट्रांसमीटर के सर्किट में हीट की वजह से जो नॉइस तुम्हारे सिग्नल्स में आएगी उसे कहते हैं AWGN नॉइस। ठीक है ना, ऐसी अगर तुम्हारा वायर कम्युनिकेशन है तो जो कोएक्सियल केबल है कॉपर वायर है उसमें भी कुछ हीट जनरेट होती है, इस तरह की जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से जो नॉइस आएगी डिस्टरबेंस आएगा तुम्हारे सिग्नल में उसे कहलाता है AWGN नॉइस। ठीक है, ठीक है, ऐसी कुछ फेडिंग हमारी होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल फेडिंग। ये नॉर्मल फेडिंग की वजह से भी सिग्नल में क्या है तुम्हारी डिस्टरबेंस आती है। ये नॉर्मल फेडिंग कैसी है, जैसे तुम्हारा रेन रेन है, अब रेन को तुम ऐसा नेचुरल फिनोमेना है तुम रोक नहीं सकते, ये नॉर्मल चीज। तो जब तुम मोबाइल में बात करते हो रेन आता है तो क्या है तुम्हारी उसकी वजह से एक नॉइस तुम्हारे सिग्नल्स में आ जाती है, अकोमोडेट हो जाती है। तुमने देखा होगा जब तुम मोबाइल में बात करते हो पानी गिरने लगता है तो होता है तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं होती, उसकी वजह से क्या है तुम्हारा नॉइस जनरेट हो जाती है, तो सराउंडिंग की वजह से जो तुम्हारी नॉइस है। ठीक है, तो वो क्या है तुम्हारी चलाती है नॉर्मल वॉइस। या तुम ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर पहाड़ी एरिया है वहां पर बहुत सारे ट्रीज लग रहे हैं तो वहां पर भी क्या है नॉर्मल सेटिंग होती है, क्योंकि उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता कि तुम ट्री तो काट नहीं सकते पहाड़ों को तोड़ नहीं सकते अपने सिग्नल्स के लिए, तो अवश्य जो ट्रीज की